हमारा भी यही कहना है कि मंत्री जी ने अपने पद का निस्वार्थ लोगों की सेवा के लिए एक मिनट में त्याग पत्र दे दिया। भाई वो तो जो है सवर्ण है, वो तो उच्च जाति के लोग हैं, उनके खिलाफ काहे को एक्शन लेंगे? और दलित मजदूर गरीबों को ये लोग इस्तेमाल करते हैं। हमें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन से मतलब है। अभी तो इस देश में हमें काबिज होना है, ये देश हमारा है, हम इस देश के मूलवंशी हैं। बताइए जो इन्होंने जो इस्तीफा दिया कितना आपको गलत लगता है सर? ये ऐसा है, बिगैर कुर्बानी के कोई भी जो क्रांति है वो रंग नहीं लाती। इन्होंने कुर्बानी दी है दलित मजदूर गरीबों के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूवमेंट के लिए कुर्बानी दी है, इसलिए राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना इनका समर्थन करने के लिए पूरी संख्या हम लोग पहुंचे हैं। और जब तक ये संघर्ष करते रहेंगे, इनके साथ रहेंगे, जब तक समता और समाज की स्थापना नहीं होगी, भाईचारा की स्थापना नहीं होगी, बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन पूरा नहीं होगा, जब तक राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना राजेंद्र गौतम जी के साथ चलती रहेगी। जय वाल्मीकि, जय भीम। हमारा भी यही कहना है कि मंत्री जी ने अपने पद का निस्वार्थ लोगों की सेवा के लिए एक मिनट में त्याग पत्र दे दिया, और हम सब उनके साथ हैं जय भीम मिशन में। आप सर क्या बोलेंगे? सर जिस प्रकार के हिंदू कोर्ट बिल पास नहीं हो रहा था, बाबा साहब ने लाल की पोर से वकील से इस्तीफा दिया था, वकालत मंत्रालय से इस्तीफा दिया था, उसी तरह से राजेंद्र गौतम जी की बात हो सकता कि नहीं मानी जा रही है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है समाज के लिए। आज सभी का जय। नाम पता बताओ। हाँ, मैं डॉक्टर अशोक कुमार। इनके साथ कब तक साथ देंगे? हम काफ़ी देर साल अब से लगे हैं और उनके साथ हैं, जब तक भी ये संघर्ष करेंगे राजेंद्र पाल गौतम जी, जब तक हम साथ हैं, पूरी वाल्मीकि सेना साथ है, राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना साथ है। उन्होंने सर वो क्या कहते हैं इस्तीफा गौतम जी ने जो भी दे दिया उससे आम आदमी पार्टी को सर मतलब कुछ एहसास होता? सत्येंद्र जैन भी इतने होने के बाद इस्तीफा नहीं दिया? भाई वो तो जो है सवर्ण है, वो तो उच्च जाति के लोग हैं, उनके खिलाफ काहे को एक्शन लेंगे? ये तो जो भी यहाँ उच्च सारी पार्टियाँ ऊँची जाति के लोग हैं, सवर्णों की हैं, उनमें जो हमारी जो SC ST के लोग हैं वो तो बस उनके मतलब चुपचाप बैठे रहे, कोई आवाज़ ना निकालें अपने समाज के लिए। वो देखिए ये सब एक चाहताओं की औलाद है, और दलित मजदूर गरीबों को ये लोग इस्तेमाल करते हैं। हमें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन से मतलब है। जो मिशन की बात करेगा अब आगे आने वाले समय में दलितों का वोट वही पड़ेगा। जय 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 भीम। ऐसा देखिए ये जो लोग हैं ये तो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, ये तो हमारे लोगों को सफाई आयोग तक और मंत्रालय तक रखते हैं। अभी तो इस देश में हमें काबिज होना है, ये देश हमारा है, हम इस देश के मूलवंशी हैं, और इस देश में इतना हमारा राज नहीं होगा, इतने मारी मांगे पूरी भी नहीं होंगी। मैं तब लोगों से कह रहा हूँ ये देश हमारा है, इस देश के मूलवंशी है, देश पे कब्जा करो, सत्ता पे काबिज हो, तब जाके हमारा और हमारे समाज का कल्याण होगा। ऐसा नहीं ना सर कि सरकार भी अब हाथ पे उस पर आ गई है कि SC OBC पे सब पे मॉनिटरिंग पे जितने भी लोग हैं लोग उस पर दबाव बना रही है? देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो दलित मजदूर गरीब लोग हैं, जो नौकरी पैसे वाले लोग हैं, इन्होंने सभी डिपार्टमेंट में ठेकेदारी लाकर हमारा गला काटने काम कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि हमें समय पर सैलरी मिले और हमारे बच्चे पढ़ लिख के हम इनके बराबर आए। इनकी सोची समझी साची के तहत ये मूवमेंट चल रहा है, ठेकेदारी को लाके इन्होंने सारी जो आरक्षण है, जो हमारी जो नौकरियां हैं, सबको इनको पंगु बना दिया इन लोगों ने। दिल्ली सरकार को ऐसा सोचना चाहिए ना कि जो एक तरह कर रही है वो तो भाजपा के तरफ चल रही है सर? ये मैं कह रहा हूँ, चाहता हूँ कि एक औलाद है, सब एक का काम करेंगे, जो लोग हमारे हैं उन पर लांछन लगा के उनको बाहर किया जाएगा। ये तो पहले जो जाग के ठीक है वरना कुछ श्रद्धा में बाहर निकाले जाएंगे। इनकी मूवमेंट है भाई साहब ये लोग। जय भीम, 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 जय भीम,
से क्या दिक्कत होगी केजरीवाल को? केजरीवाल तो वही भी वही ब्राह्मण है, आपको क्या केजरीवाल को? ब्राह्मण है, बनिया है, अभी गुजरात के अंदर कल उसके कार्यकर्ता के साथ अभी उसके कहने में उसको गिरफ्तार किया, उसके पक्ष में संजय सिंह अरविंद केजरीवाल और उसके विधायक सारे उसके पक्ष में खड़े हो गए, मनीष सिसोदिया के, सत्यम जैन के सब पक्ष में, उनके भी समर्थन में सभी लोग खड़े हैं। हमारे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कोई बुरा नहीं किया, अच्छा काम किया, समाज को जगाने का काम किया, हम उनके साथ हैं। केजरीवाल तो बाबा साहब की बात करते हैं, क्या की बाबा साहब की बात करते हैं? दिखावा करते हैं, दिखावा, दलितों का वोट लेने के लिए दिखावा करते हैं। एक वोट का बदनामी करता है, बाबा साहब का संविधान पढ़ाने की बात, दलित वोट नहीं देंगे केजरीवाल को? अब नहीं देंगे, 38% दलितों का वोट लिया पंजाब के अंदर, एक भी दलित राज्यसभा सांसद में नहीं भेजा इन्होंने, साफ साफ दिखता है कि दलित विरोधी व्यक्ति है। तो अभी भी अपना नेता मानते हैं उसको? हम लोग तो नहीं मानते, हम नहीं मानते, लेकिन हमने कसम खा ली है इस केजरीवाल की कुर्सी ला देंगे दिल्ली के अंदर से, और इसकी जो गलत फहमी है ना, बाबा साहब के और भगत सिंह के नाम पे वोट ले लेगा, आप इसको दिखा देंगे उसकी राजनीति कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ भेज देंगे, मतलब चेहरा सामने आ गया केजरीवाल, चेहरा सामने आ गया दलित विरोधी आदमी है। आरएसएस का बंदा है, आरएसएस का, आरएसएस का बंदा है। मुर्दाबाद सुरेंद्र केजरीवाल, मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 विश्व जय जिंदाबाद।